तो टेस्ट करते हैं अभी और आपका टेस्ट बताते हैं कैसा है ये। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैं उठा हूँ अभी, तो कुछ लैपटॉप कुछ काम कर रहा हूँ, गर्म पानी जा रहा हूँ पीने के लिए। तब वो दिखाता हूँ कि आज मैं क्या करता हूँ और क्या खाता हूँ। चलिए आप लोग वीडियो बने रहिए, आइए। तो देखिए लैपटॉप में मैंने सरकारी जल खोला हुआ, कुछ फॉर्म भरना है मुझे, क्योंकि लैपटॉप खोला हुआ है। और वहाँ पे देखिए मेरा गर्म पानी रखा हुआ है, तभी मैंने गर्म पानी ले लिया है, तो जा रहा हूँ पीने के लिए। देख रहे हैं एक छोटा सा बगीचा है, हरा भरा पेड़ है, देखिए इधर से भी देखिए। इसे पेड़ होने की वजह गर्मी कम आती है हम लोग रूमों में। तो अभी मैं नहा चुका हूँ, पूजा भी कर लिया हूँ, तो अभी 8 बज रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता के लिए मैंने माइक्रोवेव उबाल दिया है, तो आप लोग दिखाता हूँ पूरा प्रोसेसिंग और कैसा बनता है, वो टेस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों। तो सीधे चलिए आप। तो देखिए माइक्रोवेव मैंने उबाल के तैयार कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये देखिए टमाटर प्याज मिर्च, ये देखो मैं स्पेशली मैं पास्ता मसाला यूज़ करता हूँ। और ये देखो सॉस है, ग्रीन चिली और रेड चिली सॉस। तब इस देखो मिर्च डाल दिया हमने, प्याज, और थोड़ी देर से चलाते हैं। हल्का सा लाल होने तक छोड़ देते हैं इसको। देखिए हल्का सा लाल हो गया है, तब टमाटर इसमें डाल देंगे हम लोग। और टमाटर को चलाएंगे, अगर टमाटर अच्छे से गल ना जाए। और थोड़ा सा पीसा हुआ हल्दी डाल देंगे इसमें, ये अपने खुद घर से बड़ा मोटा हल्दी लेके उसे पीसा गया है, तो थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। तो देखिए टमाटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है इसमें, तब इसमें मैं ग्रीन चिली डालूँगा अपने टेस्ट के अनुसार। ग्रीन चिली मैंने डाल दिया इसमें, अब हल्का सा रेड चिली डाल दूंगा इसमें। तो थोड़ा रेड चिली मैंने डाल दिया इसमें, और थोड़ी देर से चलाते हैं अच्छे से। तो अब इसमें हम लोग पास्ता मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नमक, और इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे थोड़ा सा। और थोड़ा ग्रेवी हो जाएगा तो इसमें पास्ता थोड़ी देर बाद डाल देंगे। तो आप लोग बताइए ग्रेवी कैसा दिख रहा है हम लोग का, कमेंट करके बताइए। और थोड़ी देर बाद ये पास्ता रखा हुआ है, इसको इसमें डाल देंगे। तो फाइनली हम लोग पास्ता इसमें हम डाल देंगे अब, और इसे चला देंगे थोड़ा सा, अच्छे से चला देंगे, चीज़ अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए अच्छे से मसाले में। बनने के बाद आप सीधे हम लोग मिलते हैं खाने पे, और बताते हैं कैसा बना हुआ है। तो देखिए मेरे पास्ता बन के तैयार हो चुका है, तभी जा रहा हूँ खाने के लिए। थोड़ा सा मैंने सॉस ही रखा हुआ है, तो आप लोग बताइए कैसा मेरा पास्ता दिख रहा है, और मेरे तरीके से वह पास्ता बना कर आप लोग देखिए। तो देखिए हम लोग टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना हुआ है। तो टेस्ट करते हैं अभी और आपका टेस्ट बताते हैं कैसा है ये। काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी नाम से फेसबुक भी चैनल है, तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मेरे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।